संक्रमण काल में जहां कुछ हेल्थ वर्कर ड्यूटी से कतरा रहे हैं, तो वहीं 66 साल के डॉक्टर बालकिशन में मरीजों की सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ है। सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अस्पताल और मरीजों से नाता नहीं तोड़ा। आपको बता दें, सक्रिय रूप से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। कभी WHO की ओर से मिसल्स रूबेला टीकाकरण अभियान से सफल बनाने के लिए भागदौड़ की, तो कभी संविदा पर नौकरी कर OPD में मरीजों का इलाज किया। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार 65 साल के बाद कोविड ड्यूटी पर रोक है, मगर डॉक्टर बालकिशन को मंडल के सबसे बड़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। आपको बता दें, यहां उन्होंने मरीजों की सेवा में दिन रात एक कर दी। पिता बनकर मरीजों को संभाला, उनके अपनत्व से मरीजों को दिल जीत लिया। मरीज डिस्चार्ज होने के बाद उनका आभार व्यक्त करना नहीं भूलते। अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए डॉक्टर बालकिशन ने पूरा प्रयास किया। फिलहाल डॉक्टर बालकिशन CMO ऑफिस से अटैच्ड हैं। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। सर, इस कोरोना काल के अंदर यहाँ तक के सफर किस तरह की सफर तय हुआ यहाँ तक आने का? 1987 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा आयोग द्वारा मुझको सर्वप्रथम बरेली में तैनाती दी गई। बरेली के बाद मेरा स्थानांतरण एटा हुआ। एटा में मैं 10 साल रहा, एक ही PSC पर, निधौली कला, 88 से लेके 98 तक। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होकर अलीगढ़ आया। अलीगढ़ में मुझको सबसे पहले अकराबाद का MO इंचार्ज बनाया गया। अकराबाद पर मैं 3 साल रहने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे DCMO बना के पुनः एटा भेजा गया। एटा से फिर ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो मैं 2004 में बुलंदशहर गया। बुलंदशहर से ट्रांसफ़र हुआ तो मैं अलीगढ़ आया 2005 में। उस समय मैं DCMO के रूप में यहाँ जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, NRHM जैसी तमाम स्कीमें मैंने उस समय यहाँ देखी थी। 2008 में मैं यहाँ से CMO के रूप में ललितपुर भेजा गया और वहाँ 8 और 9 2 साल रहा मैं। उसके बाद मैंने स्वेच्छा से अपना स्थानांतरण अलीगढ़ कराया और अलीगढ़ में मुझे मलखान सिंह जिला अस्पताल मिला 2009 में। 2009, 10, 11, 12 तक मैं CMS जिला अस्पताल मलखान सिंह का मैं CMS रहा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण अलीगढ़ में ही दीनदयाल अस्पताल, जो कि 300 सैया मंडली अस्पताल है, वहाँ पर मैं 12, 13, 14, 15, 16 लास्ट तक मैं वहाँ CMS रहा। और इस बीच में मैंने 2 बार AD हेल्थ का भी चार्ज संभाला, 2010 में और 2015 में। 31 जनवरी 2016 को मैं सेवानिवृत्त हुआ दीनदयाल से। उसके बाद गवर्नमेंट ने हम लोगों की जो एज बढ़ाई 65 किया गया, तो मैं पुनर्नियोजन में दोबारा से ले लिया गया। पुनर्नियोजन में मैं जिला अस्पताल मलखान सिंह में रहा साल भर। उसके बाद मैं WHO में चला गया। WHO में खसरा रुबेला नाम का जो प्रॉब्लम आई थी, बीमारी आई थी या टीकाकरण हुआ था, उसमें मैं रहा। उसके बाद फिर मैं इधर CMO साइड में पुनर्नियोजन में दोबारा से इधर आ गया और मुझे एक पुराने शहर में महफूज नगर नाम से एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ का मुझे इंचार्ज बनाया गया। साथ में मुझे पूरे ज़िले का एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम का नोडल अधिकारी बनाया गया। पिछले साल कोरोना काल में जब दीनदयाल अस्पताल में कई अधिकारी का ट्रांसफ़र हो रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिला प्रशासन ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे 22 अगस्त 2020 को दीनदयाल कंबाइंड हॉस्पिटल का मुझे नोडल अधिकारी नियुक्त किया। तब से लेके अब तक मैं लगातार वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और 65 साल की उम्र पर भी मैं 2 जनवरी 2021 को मैं 65 साल पूरे करने के बाद रिटायर्ड हो गया, पुनः रिटायर्ड हो गया। उसके बाद जिला प्रशासन ने सेवाओं को देखते हुए मुझे NHM के अंतर्गत आगे कार्यकाल मेरा बढ़ा दिया और मुझे री एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मुझे पुनः
दीनदयाल को देखने के लिए निर्देश प्राप्त हुए और वो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। सर, वही इसी चीज़ को देखते हुए इस कोरोना काल में लोगों को जिस तरह बीमारी चली उसको लोग डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्यकर्मी बसते नजर आ रहे हैं। सर, वहीं आप 66 साल की उम्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए देखे लोग क्या समझ रहे हैं। एक्चुअली हम चिकित्सक पहले हैं, इसके अलावा हम कुछ और हैं, और जब हमारे परिवार के लोगों ने हमें डॉक्टर बनाया तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें गूढ़ हो गईं कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है और कब फैलती है। इन चीज़ों का हमें डर नहीं लगा और हमने सहर्ष ये चैलेंज स्वीकार किया। लगातार हम वार्डों में रहे, वार्डों में गए, मरीजों से बातचीत की, तमाम व्यवस्थाएं देखी और बहुत अच्छे तरीके से संचालन हुआ। हमको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार द्वारा जो 2 इंजेक्शन वैक्सीन के रूप में वो हमने समय से लगवाए और मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। सर, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग लोगों के नए डॉक्टर हैं, लोगों से बीमारी देखकर कतरा रहे हैं लोगों की सेवा करने में, वहीं आप इस उम्र में आकर इतना समय बिताने के बाद फिर सेवा में लोगों की भी आप उतर ही आए हैं, तो उन लोगों को किस तरह संदेश देना चाहते हैं? मैं उन अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा जो इस विभाग में आम जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है। अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। सरकार की जो गाइडलाइन है, सबसे पहले हमें मास्क लगाना है, अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर हमने ये इतना पालन कर लिया और किसी भी छोटी मोटी परेशानी पर हमने उसको उपचारित कर लिया तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, वही एक सवाल, जिस तरीके से लोग अपने अपने घर में रहने की बात करते हैं, घर परिवार लोगों को डर, कहीं आपके परिवार ने आपको रोका या आपके सोचो ठीक है आपको छोड़ दीजिए? पिछले एक 1.5 महीने से बीमारी का जो प्रकोप बढ़ा उसमें वैसे मेरे घर वालों ने मेरा पूरा साथ दिया, लेकिन इंतहा तब हो गई जब दीनदयाल में भर्ती होने वाले मरीज भटक गए और उनको बेड नहीं मिला, तो दीनदयाल से जो मेरे पूर्व परिचित लोग थे उन्होंने मुझे घर पर रात में आकर के मुझे, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे परेशान किया, तो मेरे घर वाले भी फिर डर गए कि अब ये आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई देखिए, हम कारगिल युद्ध में हम बॉर्डर पर हैं और पीठ दिखा के भागने का काम हमारा नहीं। ऊपर वाले को जो मंजूर है वो कबूल किया जाएगा। इतने समय में आपके इस सर्विस में यहाँ कस्टमर आ रहे, इस तरीके का आपने माहौल या बीमारियाँ इस तरह मगर देखी थी कभी या सोचा कभी इसी हो ये माहौल आएगा? आज से करीब 55 साल पहले जब हम बहुत छोटे रहे होंगे, तब जब हम ग्रामीण क्षेत्र में अपने पुरदिल नगर कस्बे में रहते थे जो अब हाथरस में है, तब हमने हैजा नाम की बीमारी को देखा था। उसमें भी घरों से भाग गए थे लोग, मोहल्ले खाली कर गए थे, गांव खाली कर गए थे और लगातार लोग उसमें भी मर रहे थे। उस दिन के बाद ऐसे हालात आज पैदा हुए हैं। ये जो पिछला जो कार्यकाल था इस कोरोना का, वो तो मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं था। जो इस बार हुआ है वो वास्तव में एक सबक है हम सब के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से या हमें संसाधन बढ़ाने की दिशा में सरकार को भी पहल करनी चाहिए। समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं और ऐसा काम कर सकते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। सर, इस कोरोना काल में आप 66 साल की उम्र में लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जहां लोगों से इस बीमारी कतराते नज़र आ रहे हैं, सर किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को बताया जाएगा आप इस उम्र में सर्विस दे? 31 जनवरी 2016 को मैं सेवा से 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद री एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा दी गई, उसमें मैं इसी ज़िले में काम कर रहा था। पिछले साल अगस्त के महीने में जब मैं अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महफूज नगर पर काम कर रहा था, उसी समय मुझको निर्देश मिला कि जिला प्रशासन ने याद किया है, मैं पहुंचा और मुझको बताया गया कि आपको दीनदयाल अस्पताल की व्यवस्थाएँ संभालनी है। मैंने तत्काल बिना कुछ सोचे समझे, जबकि उस समय 65 साल की उम्र के लोगों के लिए खतरा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया और ऊपर वाले ने मुझे उसमें कामयाबी दिलाई।
मैं किसी भी तरीके के डर या अफवाह या और किसी भी तरीके की चीज़ से मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ और मुझे अपने कार्य में पूरा भरोसा है और मैं कार्य करता हूँ। मरीजों के बीच में जाता हूँ, मरीजों से बात करता हूँ और लोगों को उत्साहित भी करता हूँ। सर, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर कमी सामने आ रही है, आपको क्या लगा कि ऑक्सीजन को लेकर लोगों में मौत हो रही है? आज भी कुछ सवाल उठ रहे हैं दीनदयाल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की वाकई प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब मरीज भी घटे हैं, डिमांड भी घटी है, उधर प्रोडक्शन बढ़ा है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई हैं। ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी तो निश्चित रूप से सब लोग भयभीत थे, हम लोग भी भयभीत थे, लेकिन जिला प्रशासन ने हमें ऑक्सीजन दिलवाने में पूरी मदद की। क्या स्थिति है इस टाइम अब ऑक्सीजन को लेकर? ऑक्सीजन जितनी हमें आवश्यकता है उतनी मिल रही है। सर, जिस तरीके से नए जैसे लोग आपको सियासत दे रहे हैं, वही लोग स्वास्थ्य विभाग में देखा गया है कि मरीजों के साथ कतराते नजर आते हैं, सेवा नहीं दे पाते, तो उनकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं अपने भाइयों से और बहनों से यही निवेदन करूंगा कि ये नोबल प्रोफेशन है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। इस प्रोफेशन में अगर आए हैं तो आपको मानव सेवा, सिंपैथी, इन शब्दों को भी लेके चलना पड़ेगा और मानवता की सेवा करनी होगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करें, आप सुरक्षित रहेंगे, परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपना, जो आपने सर्वे किया, सब कुछ देखा है, उस बीमारी को लेकर जनता को भय भी मौजूद है, भय हो रहा है लोगों को, उसको क्या कहते हैं? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि सरकार जनता के हित में बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी लोग तीसरी वेव के खतरों को जिक्र करते हैं, लेकिन पता नहीं वो आएगी कब, आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो सरकारी प्रोटोकॉल है इस बीमारी के प्रति, उसका पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अननेसेसरी घर से बाहर न निकलना, अपने हाथों को बार बार धोना, साफ पानी और साबुन से धोना ज़्यादा बढ़िया है बजाय किसी सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने के, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सर, वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन लोगों को लगना, कितने लोगों को लग रही है अलीगढ़ के अंदर, किस तरीके लगता है? वैक्सीन लगातार जनवरी से लग रही है, पहले 60 प्लस को लगी थी, उसके बाद में 45 प्लस को लगी, अब 18 प्लस को भी लग रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और जैसे जैसे ये वैक्सीन की हमें आमद मिलती रहेगी, सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी वैक्सीन की कमी चल रही है, वैक्सीन की कमी चल रही है। सरकार से किस तरह की मांग है? सरकार से कोटा फिक्स है, कोटे के आधार पर आती रहती है, और चूंकि एकदम लोगों में एकदम भय, अगर भय नहीं पैदा होता तो शुरू शुरू में आपको याद होगा कि 50% लोग टर्न अप हुए थे, जितना लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था उसमें 50% लोग टर्न अप हुए थे, लेकिन चूंकि बीमारी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो लोग भयभीत हुए और एकदम निकल पड़े कि चलिए वैक्सीन लगवाने के लिए, वजह ये है और कोई वजह नहीं। इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने को आप सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। सर, सब नाम? सर, डॉक्टर बालकिशन, अलीगढ़। सर, क्या पत्र भेजा गया, क्या पोस्ट लेके भेजा गया? परामर्शदाता।